हमेशा सबने मुझे गलत समझा, कनिष्का देवी को गलत समझा कि मैं अपनी बहन की बेटी पर जुल्म करती हूँ। क्यों करूंगी मैं इस पर जुल्म? ये मेरी बच्ची है, मेरे जिगर का टुकड़ा। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, आप लोगों ने जान को कैद करके क्यों रखा था? ये एक अभिशाप है, कनिष्का कुंज पर अभिशाप। चांद की माँ यानी मेरी बहन, उस पर भी ऐसे ही दौरे पड़ते थे। जब घड़ी में रात को 3 बजते हैं, आसमान में पूरा चांद निकलता है तो चांद का हुलिया बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है, आंखें बदल जाती है, और इसके अंदर कोई प्रेतात्मा प्रवेश करती है और चांद उस प्रेतात्मा के वश में हो जाती है। और उस वक्त जो भी इसके सामने आता है उसे खत्म कर देती है। छोड़ो मुझे, मैं इसे मार डालूंगी। छोड़ो, छोड़ो। क्या कर रही हो चांद, होश में आओ। छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, मैं इन सबको मार डालूंगी। होश जाओ चांद, होश में आओ। यही वजह थी हम चांद को रात भर कमरे में बंद करके रखते थे। अगर ये हवेली से बाहर निकल जाती तो और भी खून खराबा कर देती। मां ने परसों तक इस बात पर पर्दा रखा ताकि इस राज को कोई न जान पाए। मैं ही सारी लाशों को ठिकाने लगा दिया करता था। ये कौन है? मैं यहां का पुराना नौकर हूं। कई सालों तक इस हवेली में सेवा की है मैंने। इस हवेली की छोटी मालकन चांद मेम साहब की मां के मौत के बाद यहां खून खराबा होने लगा। एक रात मैंने चांद मेम साहब को कत्ल करते हुए देखा। उनका हुलिया बदला हुआ था, जैसे कि वो कोई इंसान नहीं प्रेतात्मा हो। डर के मारे मैंने यहां से नौकरी तो छोड़ दी, वफादारी नहीं छोड़ी। इसलिए इस राज को मैंने राज ही रखा और हमेशा यहां आकर इन्हें होशियार करता रहा, चेतावनी देता रहा। आपने चांद का इलाज क्यों नहीं किया? मैंने चांद को कई वैद्य कई हकीमों को दिखाया और डॉक्टरी इलाज भी करवाया। चांद को क्या बीमारी है, क्यों दौरे पड़ते हैं, अभी तक मेरी समझ में नहीं। यही तो अभिशाप है हमारे खानदान पर, जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया, कोई नहीं।